आज की वीडियो में हम हेल्प करने वाले हैं फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री की, इसलिए मैंने और मेरी टीम ने विजिट करा 100 फैमिलीज को इस विलेज में, एंड इनमें से हमने शॉर्टलिस्ट की ये 3 फैमिलीज जिनकी लाइफ को हम ड्रास्टिकली चेंज करने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम संतोष है, मिट्टी मिट्टी का बाग मटके मटके काम करते हैं, और पिछले साल मेरे पति का हाथ कट गए थे। मेरा नाम मदन है और खेती बाड़ी का काम करता था, इसलिए मशीन में आ गया हाथ, दोनों हाथ आ गए मशीन में। थोड़े बहुत मटके मटके भी क्या था, मैंने क्या बका था, बाल कर ले थोड़ा बहुत। इन्होंने अपने घर पे मुझे खाना खिलाया एंड बात करते करते आंटी ने बताया कि उनकी एक बंजर जमीन है, एंड उससे मुझे आइडिया आया क्यों ना इनकी पुरानी प्रॉपर्टी को बना दिया जाए। देसी धानी, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। देख के लग रहा होगा ना कोई देसी रेस्टोरेंट खोल दिया है। हाँ, यही हमारा प्रोजेक्ट, बट ये लोकेशन ऐसी नहीं थी। हमारी टीम ने 10 दिन लगाकर इस लोकेशन को बनाया है। पूरी दीवारों पे लिपाई करवाई है, डेकोरेशन करवाई है, एंड एकदम जैसे वो मूर्थल मूर्थल जाके तुम खाने खाते हो, पराठे खाते हो, वो हम वाइब देने वाले हैं यहाँ पर। इतनी मेहनत करी है, इस वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे। चलो टन, ओए कॉपीराइट आ जाएगा। पर धारो मारे देश, जासूस भाई थैंक यू सो मच मेरी जान। भाई साहब कैसा लगा माहौल? और ये भाई इतना कूड़ा बूढ़ा था, इसके पीछे हर चीज उन्होंने बना दिया प्रॉपर सेट, लाइटें वाइटें डल गई है, रात को तो माहौल ही अलग होगा। इस एरिया में हमने प्लान करा है पूरा सिटिंग एरिया बनाने का। यहां पर देखो लाइट्स, मतलब ना छोटी छोटी बारीकियों पे भी काम किया गया। उधर वॉशरूम भी है, ये बेसिकली किचन एरिया होगा। तो जितनी भी हैंडमेड चीजें मैम बनाती है खुद अपने हाथों से, वो हमने यहाँ पर रख दिया। इन पे हम MRP लगा देंगे, ये सारी चीजें भी लेके जाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी और क्या। तो फाइनली गाइज, इट्स द टाइम ऑफ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर न्यू रेस्टोरेंट। जो इनके ओनर है उनको सरप्राइज करते हैं, जासूस को मैंने भेज दिया उनको लाने, तो लेट्स सी उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। अंकल आंटी, ये है आपका नया देसी धनी रेस्टोरेंट। लेट्स गो, लेट्स गो, आ जाओ। कैसा लगा? ये मेरी जगह बहुत बहुत अच्छी बना दी, आपका धन्यवाद। अब अंकल जी आपने संभालना ये रेस्टोरेंट? अब संभालेंगे अपनी आंटी, आपने साथ साथ ठीक है, खाना आपने बनाना है, ये सारे आएंगे और जो जो आया है अपने 10-10 दोस्तों को लेके आना है, ठीक है। आज की पार्टी तो हमारी तरफ से है, ठीक है। तो जासूस भाई लेट द पार्टी बिगिन, लेट्स गो। अंकल कैसा लगा आपको सब? भाई बहुत अच्छा लगा, पहले देखा था उसे कुछ और था, अब देखा तो समझ में नहीं आया हम कहाँ आ गए। क्या लगता है रेस्टोरेंट चलेगा? रेस्टोरेंट तो चलेगा, बिल्कुल। अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। पूरी कोशिश करूंगी इसको चलाने के लिए। ये है संजय कुमार, ये 10 साल से खेती कर रहे हैं। किसानी में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बट पिछले काफी समय से ये कुछ ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। जब हमने इनसे बात करी तो हमें पता चला इनकी मंथली इनकम ₹5,000 से भी नीचे है। महंगाई बढ़ने लग रही, कमाई हो नहीं रही, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड करा कि नेक्स्ट हम इनकी लाइफ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले संजय भैया आप ये बताओ, जो आप गेहूं मंडी में बेचते हो, मार्केट में जो जाता है, किस रुपए किलो पे जाता है और क्या रहता है? 2,000 रुपए क्विंटल, मतलब 20 रुपए किलो पे आप बेचते हो। और इसकी पेमेंट टर्म्स कैसी रहती है?
हमें टाइम पे नहीं मिलता। टाइम पे नहीं मिलता? आप इसको डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकते गेहूं को? नहीं बेच सकते। कभी कोशिश भी नहीं करा? कभी कोशिश नहीं करा। ठीक है, तो जो 20 रुपए किलो में आप बेचते हो, आपको कितना रुपए कॉस्टिंग पड़ता है उसका? मुझे ऐसा लगता है यही है हमारा देश जो मात खाता है, क्योंकि हमारे को कॉस्टिंग की कैलकुलेशन ही नहीं पता। कितना यूरिया लग रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, कितना खाद डल रहा है, इसका अगर हिसाब ही नहीं होगा तो हम कैसे धंधा बड़ा कर सकते हैं? हमने तो हिसाब को नहीं, इस चीज़ का कोई भी। तो इसी चीज का हमारे को हिसाब निकालना है, कॉस्ट प्राइस को कम करना है, सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, एक प्लान बनाना है। आओ संजय भैया, आज की वीडियो में मेहनत बहुत ज्यादा है और टाइम काफी लगने वाला है, चलो आ जाओ। तो हमारी टीम गई थी मार्केट में और जो जो सामान उनको चाहिए थे इस मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए वो लेके आ चुके हैं। मैं तो संजय कुमार जी को सरप्राइज देने आया हूं, बट ये भी हमारे लिए एक सरप्राइज लाया है, इनके बड़े भाई सतपाल जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने मेरे को छोटा सरप्राइज दिया तो मैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाऊं। आ जाओ पांडा गैंग, ले आओ। क्या बात है, क्या बात है। हम गेहूं को कन्वर्ट करेंगे आटा में और एक ब्रांड बनाएंगे प्रॉपर, और उससे एक ऐसा बिजनेस करेंगे कि पैसे ही पैसा होगा। डॉन भाई 10 गुना इनकम करने का वादा करा है, मैं करके रहूंगा। आटा चक्की हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि जो आपका गेहूं है ये हमें डायरेक्ट कस्टमर्स को बिकवाना है। तो अब हम इससे बनाएंगे टॉप क्लास आटा और इसको बेचेंगे डायरेक्ट मार्केट में। खुश है आप? हाँ बिल्कुल खुश है। ये वाली दांत, ये वाला दांत मेरे को देखना है। नहीं नहीं अंकल जी, आप हाथ मत जोड़िए, बस अपना आशीर्वाद दीजिए। इट्स ऑलवेज सेड जय जवान जय किसान। लेट्स गो, अपना एक बार जोर से जय जवान जय जवान। चलो लेट्स गो, प्रोडक्ट बनाते हैं, आ जाओ। तो गाइस आटा तो यार दिखने में भी काफी अच्छा है और काफी सॉफ्ट है, तो सतपाल जी क्या लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स आएगा इसका? अच्छा आटा है, हमारे यहाँ बगैर खाद का और बगैर पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक आटा है। ऑर्गेनिक आटा है जिसकी रोटियां भी बिल्कुल सफेद और खाने में अच्छा टेस्ट होता है। तो देखते हैं लोगों का क्या ओपिनियन होने वाला है इसके बारे में। तो मैं अपनी टीम के बंदों को भेजूंगा 2-2 किलो का सैंपल लेके। भाई अलग अलग जगह पे जाओ, लोगों को ट्राई करवाओ और रिस्पॉन्स लो। तो गाइस आटे के सैंपल्स तो हमने काफी सारे दे दिए थे और आज हम लेने आए हैं रिव्यू। आई होप लोगों को अच्छा लगा हो। एक बार पूछते हैं भाई हम यहाँ पे कैसा लगा। सही है जी, बहुत बढ़िया लगा भाई, सुतरी रोटी आई, बढ़िया लगा, मस्त, मतलब अच्छा बेच सके। हाँ, ना हाँ। आटे का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा था, अब बारी थी उसकी पैकेजिंग की। तो मम्मी ये है हमारे आटे के पैकेट के डिजाइन्स जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं, आपने फाइनल करने हैं क्योंकि वो कहते हैं ना माँ के आशीर्वाद से धंधा चालू होगा तो काम बढ़िया ही होगा। इतने सारे पैकेट के ऑप्शंस देख के मम्मी हो गई कंफ्यूज। चलो अब मम्मी का कहना है आइदर रेड और ये। प्योर वीटरी इज रेडी मार्केट में जाके धूम मचाने के लिए, बट मार्केट में भेजने से पहले मैंने सोचा हमारी प्यारी मम्मी से रिव्यू लिया जाए। मैंने ये आटा यूज करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि रोटी बहुत अच्छी बनती है इसकी। जो भी इसको यूज करेगा मुझे 100% श्योर है कि वो दोबारा ऑर्डर जरूर करेगा। एंड अंकल ये आज से आपका हुआ, आपका फर्स्ट ब्रांड जो मार्केट में जाने वाला है। एमआरपी एंड प्राइसिंग सेट करने के बाद मैंने कॉल करा डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिनको मैं जानता था, एंड लकीली वी गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम फ्यू ऑफ देम। 18 पैसे छोड़ रहा है। जितने भी लोगों को अंकल विलेज में जानते थे हमने सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एंड अब वो ऑर्डर कर सकते थे आटा एट अ वेरी लोअर प्राइस। ये अंकल 3 कट्टों का ऑर्डर है, 2 मशीनें हो चुकी है, लेबर आप नहीं ढूंढ रहे हो, लोग हमारे भी काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है जो है, आप बताना चाहो एक बार। प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहले हमारा गेहूं 20 रुपए बिक रहा था। हाँ जी, अब चक्की लगाने के बाद 35 और 40 बिक रहा है, प्रॉफिट डबल हो गया। तो बेसिकली अंकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दे रहे हैं वो 35 रुपए किलो में दे रहे हैं आटे का, और जो डायरेक्ट
लाइक घरों में सेल कर रहे हैं वो 40 रुपए किलो दे रहे हैं। तो पहले जो चीज हमारी 16 रुपए की इनको घर पे पड़ती थी गेहूं, वो ये 20 का बेचते थे मार्केट में मंडी में। बट अब जो आटा इनका बनता है 16 गेहूं का, प्लस 5-6 रुपए जो इनको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग एंड ऑल पड़ता है, 21-22 रुपए का घर में पड़ता है, वो चीज ये 35 और 40 की बेच रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए से अब 18 रुपए तक पर केजी आ गया है जी। जो इनका आटे की सेल है लाइक लिटरली 10 पैकेट दिन की सेल तो जा रही है, मतलब 50 किलो आटा बिक रहा है। 50 किलो आटा बिक रहा था पहले, अब डबल होने को जा रहा है। अगर 20 पैकेट दिन का हो गया तो 100 किलो इनटू 30, मतलब 3000 किलो ये बेच सकते हो, और 18 रुपए किलो बचता है तो 50 से 54 हजार रुपए इनकम सर की अगले हफ्ते या अगले महीने तक हो जाएगी। हो जाएगी 5000 रुपए महीने से 54 हजार रुपए तक का सफर होने वाला है। आई होप ये जल्दी हो जाए और हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका। ये सर आप मैं बस ये चाहता हूँ कि इससे ये जो लोग हैं सारे सीखे कि कैसे इनकम बढ़ सकते हैं। सर आपने हमें सिखाया और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे तभी मिलूंगा जब इनकम 54 हजार रुपए पे खड़ी होगी, तब तक आप लगो ऑल द बेस्ट। संजय कुमार जी और उनके भाई के चेहरे पे तो हम मुस्कान ले आए, एंड हमने उनकी लाइफ काफी चेंज कर दी, उनकी इनकम भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा क्यों ना वहाँ के लोकल फार्मर्स जितने भी है, मेरा नाम नसीब सिंह है, रोशनी है, उनकी कुछ ना कुछ मदद करी जाए। ये लो अंकल जी स्प्रिंकलर फर्टिलाइजर और खाद। तो हमारे को रिक्वेस्ट चाहिए थी एक डेयरी फार्मर की हेल्प के लिए, तो जब मुझे पता चला कि उनके 15 भैंसे हैं, तो मैंने सोचा यार 15 भैंसे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिस्टम तो नहीं है। 10 साल से डेयरी फार्म चला रहे हैं। मेरा नाम सुखबीर मलिक है। मेरा नाम संजीत मलिक है। डेयरी में दिक्कत ऐसे आती है कि खल बिंदोड़े का भाव ज्यादा है, और जैसे पशु बीमार हो जाता है तो उनके दवाइयों के भी पैसे लगते हैं। सारी डिस्कशन और बातचीत होने के बाद मैंने ये रियलाइज करा है हम लोग भी अपने घर पे 70 रुपए लीटर 80 रुपए लीटर का दूध लेते हैं, और इन लोगों को फैक्ट्रीज में देना पड़ता है दूध 35 रुपए लीटर में। मतलब यही सिचुएशन है कि अगर हम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया जाए जहां पर ये जो दूध है वो डायरेक्ट घरों तक पहुंचा सके तो इनका इनकम कितना बढ़ जाएगा। और दूध ही नहीं, अगर ये उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाए पनीर घी तो भाई मतलब दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो इनिशियली मैंने डिसाइड करा मैं अंकल आंटी को वो हर चीज लाके दूंगा जिससे उनकी डेयरी की प्रोडक्शन बढ़ सके। ये अंकल जी छोटा सा योगदान हमारी तरफ से, ये मशीनें और ये सारा सामान, हम चाहते हैं कि इस डेयरी की प्रोडक्शन और बढ़े। अपना कोई डेयरी का नाम है दे रखा है आपने? डेयरी का नाम अपना जुई कलाम है, मलिक डेयरी फार्म। अंकल और आंटी की डेयरी की प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद हमने डिसाइड करा हम एस्टेब्लिश करके देंगे उनको एक न्यू ब्रांड। वी द ब्रांड एक्सपर्ट, हमने फिर से एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया है। आधा लीटर एक लीटर सारी बॉटलें हमारे पास है। अब जो हमें 35 रुपए लीटर का दूध बेचना पड़ता था फैक्ट्रीज में, मिडल मैन कट 70 रुपए 75 80 रुपए लीटर तक मैं बेचूंगा इसको सीधा घरों में। साथ ही साथ हम उस दूध से घी भी हमने बना लिया है, हमने दही भी बना लिया है, एवरीथिंग इज रेडी, प्रोडक्ट इज रेडी, लाइसेंस वाइसेंस सब है हमारे पास। अब हमारी टीम ने अंकल और आंटी को बना के दिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड अब वो डायरेक्टली ऑर्डर ले सकते थे अपने फोन पे। सेल बूस्ट करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट को आसपास के सारे एरियाज में बंटवा दिया था, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा था इसलिए रिपीट ऑर्डर्स आने लगे। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, इफ यू टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। बस यही था हमारी आज की वीडियो का मकसद। अगर हम चाहते तो हम उनको पैसे देके इन तीनों फार्मर्स की मदद कर सकते थे, बट हमने उनको एक रोजगार दिया जिससे वो हर रोज मन चाहा पैसा कमा सके, मन चाही मेहनत करें और अपने लिए जिंदगी भर का पेट पाल सकें।